शरीकी मसाइल को जानकर पता करके
ज्यादा इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। ये एक मसला था। हमारे असल मौजू की तरफ जाने से पहले एक मेरी ख्वाहिश है आप तमाम से कि आम तौर पर यह समझा जाता है जब तक कमीज न उतारे मातम नहीं होता, इस तासुर को इस साल खत्म करना। मेरी ख्वाहिश है आप जल्दी 5 मिनट के लिए रुके। नोहा जब हमारे जवान यहाँ आकर खड़े होकर जो उर्दू में नोहा पानी करते उसके लिए सब मिलते हैं। आज मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आना चाहिए कि कहीं पर बैठ कर पता नहीं मातम करके बेटी अपनी शख्सियत का ख्याल रखते। हमारी ये मुसीबतें इस हद तक हमेशा कोई भी ये नहीं कह सकता कि मिसाल तौर पर जितना भी अजीज हो मेरे माँ बाप उनके कुर्बान को नहीं कह सकते सिवाय मोहम्मद वाले मोहम्मद के। मोहम्मद वाले मोहम्मद का तस्करा आते हैं तो हम यही कहते हैं कि अभी मेरे मेरे माँ बाप मुझे कुछ पर कुर्बान हो, तो लिहाजा यहाँ माँ बाप भी किसी के अगर इससे पता ही चलता है मोहम्मद और आले मोहम्मद हमें माँ बाप से भी ज्यादा अजीज है, तो किसी की फौतगी में किसी के बाप की फिदाई में माँ की रहलत पर आप तमाशा ही बन के रहते क्यों रोते है नहीं है क्या आप इजहार जैसा फसा नहीं करते। ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में ऐसा ना हो। बराह करम सब मिल के नोहा ये जो इनके जवानों की ख्वाहिश है लेकिन मैं ये कहूँगा ये कपड़े नहीं उतारो मुझे ये नहीं है मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता। रिवायात के अंदर जबकि आयतुल्ला फाजिल लंगरानी का फतवा भी था नहीं कर सकते करने को होता तो मैं मातम करने का कह रहा हूँ तबरुक में हजारों चीजें खर्च करने के कह रहा हूँ चल के मस्जिद में आने के कह रहा हूँ अगर होता तो हम ये क्यों ना कहते नहीं है ना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कपड़े उतार के अपने घर वालों के पास अपने बच्चों के पास बैठकर खाना खाना करा सकते तो जहां आले मोहम्मद की हाजिरी होती है इसमें यादव जहां इमाम जमाना आन लेकर हमारी तरफ देख रहे होते तो क्या इमाम जमाने की इतना भी हम नहीं कर सकते हैं। आपको मैं ये भी बताऊं जिस्म से कपड़े न उतरवाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वसीयत का एक जुमला मैं आपको बताऊं शरिया शुरू जनाब ज़ैनब कुबरा से जो तबरुकात का संदोख था उसमें से सबसे पुरानी कमीज को निकाला हुसैन ने उसके भी जहां जहां से ताजा जगह थे उनको भी फाड़ लिया और अपनी कमीज के अंदर पहन लिया अपनी कमीज के अंदर वो पुरानी कमीज को पहन लिया जहां से ताजा जगह थे उनको भी थोड़े थोड़े फाड़ के रखा क्यों क्यों इसलिए ये जालिम मेरे जिस्म से कपड़े की गारत करके लेकर जाएंगे ये कमीज किसी की नजर में शायद ना आ जाए और इन मेरी बहन मेरी लाश कराकर मेरा जिस्म और याद न देख पाए लेकिन तारीख में एक और पुरानी कमीज भी जिस्म पे नहीं रखा जालिम को इस हद तक ख्याल रखते हैं हया के यहाँ भी मजलिस में आगे करते हैं लेकिन ये मैं आपको मारिफत के जरिए कर मुझसे डर के नहीं मुझे तो यहाँ पसंद नहीं है आप इसी तरह मातम करें अल्लाह आपको कबूल करेगा। देखिए मैं यहाँ से मजलिस पढ़ता हूँ मैं अपने माफी जमीर को अपने अकीले को आपके सामने जिक्र करता हूँ और रोना ना रोना आपकी मर्जी है रुलाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है रोना आपकी जिम्मेदारी है मैं तो सिर्फ याद दिलाता हूँ मैं आपके तवज्जोहात को थोड़े से मजबूर मंजिल की तरफ उन मकामात की तरफ अकीदतों की तरफ लेके जाता हूँ बाकी रोना ना रोना जिसके दिल में इश्क हो उसे रोना खुद बहुत आ जाएगा लेकिन जिसको रोना ना आ जाए अपने अकीदे पर नजरसानी जरूर करें कि उसके अकीदे में कमजोरी है या उसके अकीदत में थोड़ी सी कमजोरी है जो मोहम्मद आल मोहम्मद के साथ अकीदत की इतनी शिद्दत नहीं है जो आंखें और आंसू दिल की तर्जुमानी कर सके। मातम करने वाला लोहा के लोहा पढ़ने वाला मातम दारी करें या ना करें लोहा पढ़ने अब ये नहीं है कि आप इस तरह से तो इंशाल्लाह आज मैं हाश करूंगा जो बाहर में बैठे सब मिल के जहां पे टेक लगा के बैठे बुजुर्गान वाला मैं बार बार हर मजलिस में कहता हूं
इस सीनाजनी का भी कोई फायदा है। इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के उस्ताद को मैं खुद अपनी आंखों से देखा, आयतुल्लाह मोहम्मद अली अराकी को मैं खुद उनके सामने के मजलिस में हाजिर था। एक रोजा खान के दीवान लोहा पढ़ने वाले को रोजा खान लोहा खान लोहा पढ़ रहा था। आयतुल्लाह अराकी इतने नहीं और कमजोर हो चुके थे कि आपके सही हाथ जब दूसरे तीन चार मरतबा सीने पे मारते थे तो आपके एक दफा हाथ सीने पे लगता था, लेकिन बड़े आराम से हाथ को सीने पे मार रहे थे। और आबा अराकी इतने इबादत गुजार थे, शबे जुमा को नमाज मगरिब के कुनूत में दुआए कुनूत पढ़ते थे, दुआए कुनूत मगरिब की नमाज के कुनूत में दुआए कुनूत पढ़ने वाली वो शख्सियत आजादारी सैयद शहदा में आपके उम्र 95 से 96 साल के होकर भी आजादारी में मातम का हिस्सा डाल रहे थे। आप टैग लगा कर बड़े मजे से बैठे हैं, ये ना हो। आज मैं देखता हूं इंशाअल्लाह, तो मुझे उम्मीद है यहाँ जवान और बूढ़े में कोई फर्क नहीं है, मजलिस हुसैन में सब बराबर है। शायद मेरे एक घंटे की तकरीर से आपके एक सी नजरी का ज्यादा सवाब हो। अज़ीज़ मोहतरम इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है मातमदारी में सब अपना हिस्सा डालेंगे। परवरदिगार सबकी तौफीकात खैर में इजाफा करे या अल्लाह। मौजू है इस्लाम और आदाबी जिंदगी। आज मैं आपको होना तो यहां तक चाहिए, हमारे यहां पर जो दौरे हाजिर के साथ साथ माशाल्लाह कल कोई कल या परसों किसी जवान ने सोशल मीडिया पे मैंने जो यहां से नुकात बयान किए थे उन्होंने घर जाकर वो मुझे सेंड किया ये नुकात दिए। मुझसे ज्यादा आप इस पैगाम की तशरीह कर सकते हैं, आप एक्सपर्ट हैं सोशल मीडिया पर अपने ग्रुप्स में। दुनिया की फजूल और कसम की चीजें हम सबको शेयर करते हैं, तो एक एक मसला रोजाना शेयर कर लें जिसके लिए मासूम की ये बशारत है रहिमल्लाहु मन अहया अमरना, अल्लाह रहम करे उस शख्स पर जो हमारी जिम्मेदारियों को जिंदा रखते हैं। तो यह इल्म की जिम्मेदारी है, दीन की तबलीग इशाअत इस्लाम अहकाम का बयान करना मासूम की जिम्मेदारी को जिंदा रखने वालों पर मासूम की दुआएं हैं आज हमारे हाथ में। तो आज मौजू हमारा आदाब जिंदगी में से खाने के आदाब, खाना खाने के आदाब क्या है। तो इसमें शरीयत की मिसाल देखिए कुरान मजीद में है, सूरह अल बकरा की तकरीबन 167 और तकरीबन 182 दो आयतें में आपके सामने जिक्र का होगा। आप सलवात पढ़ें यहाँ इंसानी लेवल पर था। मैं आपको थोड़ी सी सुविधा आगे लेकर जाऊंगा।
दूसरी आयत में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों कुलू खाएं, मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, जो तुम्हें रिज़्क दी गई है उनमें से तय्यिबात खाएं, वश्कुरू लिल्लाही, और खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें, इनको तुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उस खुदा की इबादत करने वाले। अब आप ये देखें, मैं आज आपको आदाब की तरफ जाने से पहले इंसानी ग़िज़ा की खुसूसियात और एक मुसलमान की ग़िज़ा की खुसूसियात का थोड़ा सा फर्क और डिफरेंस आपके सामने जिक्र करूंगा। इंसान क्या कहता है, क्या खाता है, जो कुछ सामने आता है खाता है। आप इंसानी मकातिब में देखें, पेश रफ्ता दुनिया में देखें, अभी मौजूदा दौर में जिसे आप ये कहते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक है, जैसे आप सामने हमारे यहाँ पड़ोस में चाइना को देखें, दुनियावी एतबार से बहुत तरक्की याफ्ता है। अमेरिका को देखें, फ्रांस को देखें, बर्तानिया को देखें, दुनिया में यही जो पावर के लोग ममालिक हो, क्या नहीं खाते, क्या खाते नहीं, वहां क्या नहीं खाते, जिसकी वजह से आज इंसानियत के लिए इतनी मुसीबतें खड़ी की है। एक चीज आप देखिए, पिछले सालों में 3-4 सालों से ये कोरोना की मुसीबत है, बीमा कैसा बतलाई है, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। अल्लाह कभी नहीं चाहता कि अपनी मखलूक का कोई आजाद ना दे, लेकिन जो चीजें खानी चाहिए, जो चीजें नहीं खानी चाहिए, कोई तमीज नहीं है। इस आगे देखें, लेकिन खुदाए फरमाता है कि खाए जमीन से हलाल और तैयब खाए। इंसानी लेवल पर यह देखा जाता है, मैं आपको बताऊं, हमारे यहां तो ये लेवल नहीं है, इंसानी लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, हम तो ना उधर हैं ना इधर हैं, ना इंसानी लेवल में है ना इलाही लेवल में है, हम तो दरमियान में हैं। क्या खाते हैं वो लोग, ग़िज़ाइयत का ख्याल रखते हैं खाने में, ग़िज़ाइयत जिसमें इंसान के लिए फायदा हो। आप जापान में देखिए, सबसे उम्र रसीदा शायद जापान और कोरिया है, यानी दूर उम्र में इंसानी लेवल के देखिए, क्यों इस हद तक हर एक को डॉक्टर की तरफ से उनको लिख दिया हुआ है, आपके जिस्म के लिए 24 घंटे में इतनी लहमियात यानी गोश्त की जरूरत है, इतनी लबरियात दूध की जरूरत है, इतनी खजरियात यानी सब्जी की जरूरत है, इतनी आपको शुगर की जरूरत है, वो सारे हर को दिए हुए, हर कोई अपनी जरूरत के मुताबिक वो जिस्म ने ग़िज़ा को यूज करते हैं, वो डॉक्टर ने उसको उनको दिया हुआ। हमारे तो ऐसा नहीं है ना, हम तो 6-6 रोटियां साथ खाते, चावल में लेकर 3-3 प्लेट साथ खाते, मसाले ऐसे मिलाते, सालन दुनिया का खुसूसन हमारे यहाँ पर ऐसे की तो दुनिया में कहीं नहीं है, किसी भी दुनिया में नहीं है। मुख्तलिफ किस्म के खाने होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सालन नहीं होते दुनिया में, लेकिन हमारे यहाँ पर मुसीबत यही है, खाना एक है चावल है उसके ऊपर 5 सालन, दुनिया के सबसे नाकारा तरीन माशरा हमारा माशरा, अरे दुनिया में सालन खा के पेट नहीं भरते, और रोटी ग़िज़ा होती है, चावल ग़िज़ा होती है, आटे से ग़िज़ा बनती है, या अगर आप यूरोप में जाए तो आलू ग़िज़ा के तौर पर है, अरब माशरे में ये जो क्या है जी खजूर ग़िज़ा के तौर पर है, हमारे यहाँ पर 7-7-8-8 सालन का होती है। इस कल्चर को खत्म करो, ये कहां कि किसने निकाला, पता नहीं, जब तक 3 सालन न हो ना खाना हजम ही नहीं होगा, किस फार्मूले में लिखा हुआ पता नहीं, एक ही सालन से एक ही खाना खाना है ना। चंद ऐसी बनाते हैं जी, खुदा की कसम में तो बहुत परेशान, नीति कहकर एक किसी भी काम का नहीं होते, इतना सा होते हैं, दिन भर हजारों खर्चा उससे आते हैं, सब फजूल है, इसराफ इसराफ नाम, इंसान की कोई रिजाई नहीं बन रही, यखनी कहकर दिमाग खराब करते हैं, यखनी कहां से निकाले फार्मूला पता नहीं, ये सारे इसराफ में जाते हैं, इसराफ में
इन्नल्लाह ला युहिब्बुल क्या है जी मुशरिकीन, अल्लाह जिसे न चाहे शैतान उसे हमला बोल पाए। तभी ला तक्तरबू खुतुवात शैतान, जो हराम के काम है शैतान की पैरवी क्यों करते हैं? क्या हम यहाँ इस साल से करेंगे? आइंदा आने वाले दिनों में हम कैसे नहीं? चलो आप गोश्त ज्यादा पसंद है तो बड़ी बड़ी कुटिया रखे हैं एक साल की, लेकिन ये नहीं है। इसलिए वहां रिजाइयत का तसव्वुर है, एक इंसान-ए-सेहत का तसव्वुर है, तो और एक जाहिरी तौर पर लज्जत का तसव्वुर है ना, लज्जत का तसव्वुर है। कितने हो गए? रिजाइयत और लज्जत, इंसान-ए-सेहत और बहद जरूरत, जरूरी फर्क इस्लाम में इससे हटकर है। आपको मैं बताऊं, इस्लाम में इससे हटकर भी है, वो क्या होना चाहिए? पाक होना चाहिए, साफ होना चाहिए, हलाल होना चाहिए। ये उनकी हानि है, हलाल का तस्वीर उनकी हानि है। तय्यिब का मतलब ये होते हैं हलाल और तय्यिबा। तय्यिब में क्या आते हैं? पाक हो, साफ हो और हलाल हो। यहां वहां में चीजें नहीं है। जायका होना चाहिए, ठीक है, इंसान के लिए जायका दार होना चाहिए पसंद, और इंसानी सेहत भी होनी चाहिए, ठीक है, उसके सेहत के मुताबिक होनी चाहिए, और इसमें रिजायत भी होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ रिजायत यही है, इतना पकवान इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोई रिजायत होती है तो सहर है, लेकिन हम खा रहे पी रहे ऐसे मसाले भी सहके खाते हैं, पता नहीं कहां कहां से बन के आते। मुझे तो किसी ने कहा था बहुत सारे रंग करने के लोग फूड जो मिक्स करते हैं, क्या से ज्ञान नहीं मिला? फूड के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके बातें सुनकर तो परेशान हाल है, पता नहीं आते क्यों नहीं मरे। ऐसी बीमारियां हमारे यहाँ पर होते सारी क्या है, गिजा की वजह से होते हैं। इसीलिए अगली आयत में खुदावंद आलम ने चंद चीजों को खुल्लम खुल्ला हराम करा दिया था। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर पूरी रोए जमीन में, जमीन और आसमान में उसकी रसाई करा दी है।
किसी और मखलूक के अपने दायरे में है, लेकिन इंसान इंसान मिट्टी से खल्क करके फिजाओं को तस्लीम करने की ताकत हमने उसको दे दी, खुशकी पर रहकर समंदर की तहों में जाने की कुव्वत अता कर दी, जमीन पर चलने वाला इंसान फिजाओं में उड़ने की सलाहियत हमने उनको अता कर दी, लेकिन उसके साथ साथ और ऐसा ना होने लगता ये बात हमने उनको पाक और पाकीज़ा चीज़ें दी। कैसे खाना खाते हुए जितने भी जानवर है सब अपने मुंह जमीन से खाने से लगा के खाता है, लेकिन इंसान को अल्लाह ने ऐसा खाना खिलाने का तरीका दिया, हाथ से उठाओ, आंखों से देखो, नाक से सूंघो, जायके से चखो, फिर मेले की तरफ भेज दो, तुम्हारी सेहत बनेगी। और ऐसा भी नहीं लो आगे दहन के जरिए से उसको मिक्स कर लो, मिक्सेड कर लो, नीचे डाल दो, दुनिया में जितने भी चश्मे हैं जहालन के हैवानात के मुंह में भी है, कहते हैं दुनिया के सारे चश्मों में से हर इंसान को अल्लाह ने अता कर दिया है वो लुआब दहन जैसा शीरीन चश्मा अब तक खुदा ने दुनिया में बनाए कोई वो तेरे मुंह के अंदर। और हिलाने के लिए ऐसी मिक्सर मशीन बना दीजिए जो जबान के अंदर कोई हड्डी नहीं रखी, अगर हड्डी रखे तो शायद मिला ना सके, तुम्हारी जबान को भले हड्डी के ताकि गिजा को इधर उधर हिलाकर लुआब दहन में मिलाकर नीचे हलक से नीचे उतार दिया जाए। अब उसके बाद चंद चीजों को याद वाले नाम है ईमान वालों परवरदिगार का इरशाद है, क्या है जी, कुलू खाए सब मिन तैयबाती लजीज सेहतमंद जायकादार पाक पाकीजा साफ सुथरा और हलाल, ये सारे तैयब में जिक्र है, खाएं में मा रज़क़नाकुम जो हमने तुम्हें बतौर रिज़्क अता किया, और खाने के बाद इसी तरह नहीं वशकुरु लिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करो, इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून अगर तुम उस खुदा की इबादत गुजारो इबादत करने वाले। अब ये तो हो गई, उसके बाद क्या कह रहे हैं, सिर्फ ये खाने का नहीं न खाने की चीजें भी जिक्र किए हैं, वो क्या दूसरी आयत में तो बहुत कुछ है इससे मुख्तसर है, मैं सब की तरफ नहीं जाऊं, वा इन्नमा हर्रम अलैकुम यकीनन तुम पर हराम करार दिया है अलमैतत मुर्दार को, मुर्दार न खाना ये हराम है, हलाल और हराम का तसव्वुर इस्लाम में है इंसान के बाद नहीं है, इंसान जो कुछ आता है खाता है, कीड़े मकोड़े हो सांप हो जो कुछ हो कोई ना कोई इस हलाल में मुफीद का कोई ना कोई, हराम जिसको करार दिया है नुकसान का कोई ना कोई शेबा जरूर होता है। आपको मैं थोड़ी सी इसके ज्यादा वजह भी नहीं जाऊंगा टाइम नहीं है, मैं इतना तो मुर्दार मत खाए, मुर्दार हराम गोश को नहीं कहते, मुर्दार उस जानवर को कहते हैं तो हलाल गोश लेकिन शरीयत तरीके पर जिबा नहीं किया, क्यों हैवानात के इस्तेमाल में वो तो अब हराम गोश ही है वेरी मुजक्का हो वो हलाल ही हो सकते हैं, लेकिन मुर्दार मैदा जिसको शरीयत तरीके पर जिबा नहीं किया है हलाल गोश बकरी है उसको शरीयत तरीके से क्यों लगा, आज आपकी मेडिकल साइंस ने साबित कर दिया कि जानवर की चार लगों को काटने के बाद उसकी जिस्म के अंदर से खून सारा बहना चाहिए, शरीयत ने ये छह शर्तें करा दी, परसों मैंने जिक्र किया था, उनमें से एक शर्त ये थी जानवर उस सूरत में हलाल होगा काटने के बाद रगे जो खून मोहताज है एक जानवर के जिस्म के अंदर जो खून होता है वो सारा बाहर निकल जाता है, खून ना निकले तो क्या होगा, खून खाना, लेकिन आपको बताऊं एक जुमला, खून कुछ खून जो पूरा खून निकलने के बाद जो गला धोने के बाद जिस्म के अंदर रह जाता है दो खून के अलावा बाकी सब खून पाक है, जो मैं आपको फिर के हवाले से कह रहा हूं ये फिरका की बात है, एक शर्मगाह के अंदर खून हो एक जो बाकी मकातिन में जो तिली कहते हैं छिपल तिली जगह लगे छिपल तिली जगह तिली तिली कुछ फिरका में इसका खाने जाए लेकिन फिर के शिया में तिली का छिपल जिसे कहते खाना हराम, इन दो में जो खून बच जाता
तो ये दो खून नापाक है, बाकी जो खून रह जाता है नीचे जादू गले के नीचे है, सीने के अंदर है, वो सारा पाक है। लेकिन खून जो भी होगा देखा के रोशनी में खाना जाएगा, खाना जाएगा। इसलिए क्यों उसने, वो तो अपनी जगह, लेकिन पूरा खून निकलने के बाद खाना चाहिए क्यों? खून के अंदर दो सेल्स होते हैं, या डॉक्टर ने तस्वीर रखे होंगे, दो सेल्स होते हैं, एक सुर्ख सेल होता है एक सफेद। सफेद खून, जो खून के अंदर सफेद सेल होता है, वो जिस्म के अंदर कुव्वे मुदाफियत के लिए काम करने की दिफाई काम है। खून के अंदर खुदा ना खास्ता बाहर से कोई हमलावर हो तो वो सफेद सेल्स का काम, दिफा का काम होगा। लेकिन जो सुर्ख सेल्स है वो अंदर खुराक और जिस्म की जरूरत को पूरा करने के लिए इंटरनेट जो काम होता है वो सुर्ख जो सेल बना रहा है। खून को अगर अंदर रह के खाए तो सफेद खून जो होता है वो कम से कम कुछ 10 घंटे के लिए कम से कम वो जिंदा रहता है। क्योंकि हर रावी देखिए, इसको देखिए, अगर किसी लिबर्टी में देखिए, सारे उसके अंदर जरासीम होते, सारे जीव होते। हम तो समझते हैं सिर्फ हमारे अंदर जरूर है, नहीं है, बल्कि हर जो जरासीम है वो जीव है, यानी उसके अंदर जान है। यहां तक कहते हैं कि इंसान जिससे तकलीफ होती है उस मादे के अंदर जिससे इंसान का बच्चा पैदा हो जाता है, बाप के उस मादे के एक कतरे के अंदर 12 लाख से ज्यादा अगर जीवु जरासीम हो तो वो बच्चा उससे बन सकता है। अगर उससे कम तादाद में हो तो उसके मेदार को बढ़ाना होगा, जीता है सारे। तो सेल जो होते हैं वो खून के अंदर, वो सफेद सेल फौरन मर जाता है, लेकिन जो सुर्ख होता है वो काफी देर तक जिंदा होता है। अगर वो इंसान खाए तो खाने की सूरत में जो जिस्म के अंदर हैवान के जिस्म में जो उसका कारनामा था, यानी जरासीम के हवाले से जो कुछ काम वहां करना था, वहां मुस्बत अपनी जगह पर वो मुस्बत अंदाज में काम करते हैं, दूसरी जगह मुंतकिल होकर वो मनफी उसके अपने प्रोग्रेस जो होते हैं मनफी होते हैं। तो इंसान की सेहत के लिए हराम इसलिए करार दिया कि खून के ये सेल जो होते हैं वहां से निकल कर इंसानी जिस्म में आने के बाद उसका फायदा नहीं होता, नहीं होता। इसलिए शरीयत ने कहा था और इन्नमा और अलैकुम नहीं कहता मुर्दा तुम्हारे हराम न खाना और गुस्सा व दमा खून भी ना खाएं। खून भी चाहे पाक ही क्यों ना हो, खून आपके हैवान अगर सिबा करने के बाद जो जिस्म में पाक खून भी रह जाए उसको भी साफ करके खा लेना। खून के अंदर वो सेल्स मौजूद होते हैं वो इंसान के लिए नुकसानदेह है। तीसरे नंबर पर लहम अल खिंजीर। यूरोप ने मगरिब ने जितनी दुनिया को बर्बाद कर दिया खिंजीर का गोश्त खिला खिला के, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होते हैं, बहुत ज्यादा ताकत होती है, इसलिए वो इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और हर चीज खाते हैं। हर चीज शरीयत के रूप से सबसे आगे देखिए गिजाई तौर पर भी, ये गिजायत के एतबार से भी इस इंसानी सेहत के लिए बहुत ही मुसीब है। क्योंकि दुनिया के जितने भी कचरे हराम गोश आप देखिए, जैसे लोमड़ी है, नीली है, चूहे है, सारे कचरे खाते हैं। कचरा खाने के बाद खुदा ने उनके अंदर एक ऐसा अंदर मशीनरी फिट कर दिया है, बाहर के जरासीम को अंदर खाकर सिर्फ और सिर्फ उनके गोश्त नहीं खाना, उनके मुंह से जो ऑक्सीजन बाहर माशरे के अंदर आता है वो इंसानी माशरे के लिए नुकसानदेह जो जरासीम उनको खत्म कर देते हैं। उनके मुंह से निकलने वाले जो ऑक्सीजन होते उनका काम ये, उसके गोश्त नहीं खा सकते। लेकिन खिंजीर वो जानवर है जो हर किस्म की गंदगी खाते हैं, हर किस्म की, और उसकी तकलीफ के बारे में आप ये देखिए, उन बदबख्तों को ये नहीं पता इसकी तकलीफ क्या थी। खिंजीर की तकलीफ ये है, सबसे पहली मरतबा खिंजीर कब बनी, खिंजीर की तकलीफ कब हुई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जब तकरीबन 40 दिनों के लिए पानी में तैरती रहे, उसमें मुख्तलिफ किस्म के
इंसान है, जानवर है, हर एक के जोड़े उस तरह के पुराने आयत की रोशनी में, और वहां से काफी अर्सा जब बहुत सारे इंसान उसमें बैठे तो बाथरूम से बेत और खला से बदबू आना शुरू हो गई, तो इंसान की सेहत के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो इंसानों ने वहां की बदबू और कसाफत नजासत की शिकायत अल्लाह के मुंह से किया, अल्लाह के नबी से किया। अल्लाह के नबी ने खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ की, ये जो गठर में नजासत है इसकी वजह से रहने वालों के लिए तकलीफ है परवरदिगार, हुक्म खुदा हुआ जाकर हाथी के पुश पर थोड़ा सा हाथ फेर दे। हजरत नूह जाकर हाथी के पुश पर हाथ फेर दिया तो उसी वक्त हाथी को छींक आ गई, एक छींक की वजह से उसके नाक से एक दो खिंजीर यानी नर और मादा बाहर निकला। जल्दी जल्दी में बड़े हो गए हजरत नूह से कहा ले जाओ इसको गड़न में छोड़ दो, इंसान की नजासत पे तही नजर, इंसान की नजासत के लिए तकलीफ की गई उस चीज को उस मखलूक को आज इंसान की रजा के तौर पर पेश करके दुनिया में इतनी वबा और इतनी भलाई फैलाई गई, और ये सारा कहा इस्तेमाल होती है, इस पर बहुत जल्दी होती है। आपने शायद सोशल मीडिया पर थोड़ा सा उसको सर्च कर लो, अंग्रेजी में नाम लिखो फिर उसको सर्च कर लो, इसने क्या क्या नुकसान, उनको चर्बी फैलने की जगह भी हो गई। तो मुस्लिम ममालिक में उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट पेश किए, फिर मुफ्ती ने फतवा दे दिया ये तो खाने की चीज नहीं है, ये तो खिंजीर के चर्बी से बनाई गई, फिर उन्होंने बंद कर दिया, फिर उनकी चर्बी फैलने की जगह नहीं हो गई। आजकल वो साबुन बनाकर मुस्लिम कंट्रीज में हमारी सफाई के लिए भेज रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज जो खिंजीर के चर्बी से बनाई गई चीजें जो सफाई के लिए इस्तेमाल हो रही। इंसानी सेहत के अलावा खुदा ने खिंजीर को हराम इसलिए करार दिया, सारे जानवरों में सबसे बेहया खिंजीर, सबसे बेहया, कम से कम हैवानात में भी कोई हया होती है। आप बहुत सारे जोड़ों को देखिए, अपने जोड़े के मरने के बाद किसी दूसरे की गहरी की तरफ निगाह उठा के देखिए, जैसे भेड़िया, भेड़िया दरअसल जरूर है, हया बहुत है इसके अंदर, किसी के नामुश की तरफ वो आंख उठा के देखिए, भेड़िया भी इतने खुशियां। लेकिन ये जो खिंजीर है इसके दूध गोश्त जो भी इस्तेमाल कर ले वो सारा बेहया होता है। यूरोप में हया का भी कोई चीज ही नहीं है, हर चार में से तीन इसके बाप का कोई पता नहीं, हर चार में से तीन के बाप का पता नहीं, बेहयाई सतर्क। आपने देखा हम जिंस के लिए कानून पास कर रहे हैं, हम जिंसबाजी के लिए कानून पास कर दिए हैं, तो कोई इंसानी लगन के शर्म की बात नहीं है, इतनी बेहया हो गई है दुनिया से। लेकिन मासूम की हदीस है, ला दीन लिमन ला हया अला, जिसके पास हया नहीं है उसका दीन ही अजर होता है। और जो खुदा के नाम के अलावा किसी बुत या किसी गैर खुदा के नाम से जिसका गला काटा जाए ऐसे जानवर को भी न खाया जाए, ये तो जानवरों के हवाले है, उसके अलावा और भी हैं उसकी तरह मैं नहीं जाऊँगा। अब हमारे रजा की शराइत में से ये हो गई, हलाल होना चाहिए सबसे पहले, इसको नियामत परवरदिगार समझ के खाना चाहिए, उसके लिए सबसे पहली अदाई है अल्लाह के नाम से खाना चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ खाना खाना चाहिए, अल्लाह के रिज़्क सोच के खाना चाहिए, गिज़ाइयत का ख्याल रख के खाना चाहिए, अपनी ज़रूरत समझ के खाना चाहिए। सबसे अहम ये क्या ये मेरे लिए जायज है या नहीं है वो देखा जाएगा। रिज़ाए सेहत के लिए बहुत खुशहाल होते हैं कि मुझे ब्लड प्रेशर है जी बिल्कुल नमक मटर हो, मुझे शुगर है जी इसमें चीनी है तो खुदा ना खासा नहीं लेने की दूर कर लो, इतने खुशहाल हो जाते हैं हम जी। हाँ अगर कैसे है तो गोश्त तो किसी कसम के नहीं खाना, सिर्फ मच्छी की गोश्त खाना और तो मैंने नहीं खाना, मुझे सब बंद है, नमक का तेल के डर जाते हैं, शुगर का सुन के इंसान लरज जाता है, गोश्त का सुन के इंसान दूर हट जाता है, लेकिन रिश्वत का खाकर बड़े मजे से खाते हैं। सूद तो इतना फैल चुका है शहर में, पूरा मुल्क ही सूद के अंदर डूबा हुआ है,
सूद से कारोबार के कारोबार नीचे डरम नीचे जा रहे हैं, शहर के अंदर टिकाल होते जा रहे हैं। सूद का कारोबार बड़े बड़े हाजी साहबान करते हैं, लेकिन बड़े मजे से खाते हैं। रोड दर्पण होते ही चीजों की कीमत ट्रिपल हो जाती है, बड़े मजे से खाते हैं। टिकाल हराम है, बाजार में चीजें वाफी हो आप चीजें कीमत बढ़ा सकते हैं, कोई मसला नहीं, आपकी मर्जी। चीजें वाफिर हो तो, लेकिन जहां से शॉर्ट हो जाए आप एक रुपया नहीं बढ़ा सकते, बढ़ाए तो पूरा कारोबार आपका हराम हो जाएगा। रिश्वतों से खा खा कर पता नहीं बेटी नहीं बनते। मामूली से नमक से डरने वाला लाखों से नहीं डरते। थोड़े सा ख्याल तो करो, एक मुसलमान के लिए मोमिन के लिए सबसे बेहतरीन वो है उसके खाने के सामने देखे तो हलाल खाए। मेरे नबी को आजमाने के लिए यहूदियों ने, जब मेरे नबी बच्चे थे और उस वक्त यहूदियों की किताबों में लिखा हुआ था नबी वो होगा जो हराम खाना कभी नहीं इस्तेमाल करेगा, मुश्तबह खाना कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो यहूदियों ने कहीं से कोई किसी की मौकी पकड़ के हजरत अबू तालिब को पका कर दे दिया, नबूवत का दावा ही नहीं किया था। छुप के बैठे रहे शायद अबू तालिब के घर में, मोहम्मद ये खाना खा के हम जरा आजमाना चाहते हैं। जो ही खाना सामने आ गया, मोरी का गोश्त सामने आ गया, मेरे नबी ने उसे कहा इसको दूर कर दो, मैं नहीं खा सकता। वजह पूछी, क्यों जी आप क्यों नहीं खा रहे, ये हराम की मोरी, ये किसी की चोरी की हमें नहीं खा सकता। दूसरे दिन किसी से उधार लिया, ये उधार लिया पैसा नहीं दिया, उन्होंने फिर और मोरी ली। उसे कहते चलो पैसा बाद में दे दूंगा, अभी मोहम्मद को खिलाते हैं। खाना मुर्गी पका के मेरे नबी के सामने कर दिया, खाना तैयार गोश सामने है, उसे कहा मैं नहीं खा सकता क्योंकि ये मुस्तबह खाना है, ऐसा मैं नहीं खा सकता। ये तो नबी की बात थी। हमारे मराजी के बारे में आप देखें, हमारे एक आलिम दीन को किसी ने अपनी दावत के घर की दावत के लिए बुलाया, आज हमारे जरूर हमारे घर में खाना खाए गया, चलिए ठीक है आपकी इतनी ताकत है खाना खाने जाऊंगी। खाना तैयार होकर सामने लाया, मुस्तहिद ने हाथ ही नहीं लगा, अब अगर थोड़े से तो लेने चाहिए, कम से कम मेरी तमन्ना है नहीं है। क्यों? बिल्कुल अपने घर का है, तुम्हारे घर का है। घर के खातून की जो हालत थी वह हालत बाकी में नहीं है, बगैर रूही की हालत तैयार किया है, याद नहीं खा सकता। रूहानियत ये होती है, खाना इस तरह से खाया जाता है, अगर कम अज कम इस हद तक ना हो तो जो खुला खुला हराम कहीं वो तो ना खाए ना। आज जमाना ऐसा हुआ है हराम खाने को भी बड़ा फकीर से खाते नहीं, वहां पर इसीलिए तो अजाब आता है, इसीलिए तो अजाब आता है, अल्लाह की तरफ से कसम आता है। जो ही गंदम तैयार हो जाए बारिशें होती है सब सड़ जाती है, मेवे तैयार हो जाते सब गिर जाते हैं, फूल खिलते हैं सब नीचे नीचे उतर जाते हैं। क्यों? गुनाह को गुनाह की तसव्वुर नहीं करते, हराम को हराम समझ लो, फिर भी अगर गलती हो जाए तो अल्लाह माफ करेगा वहां हमारा आगे, लेकिन गुनाह को गुनाह नहीं समझता। सेल पॉइंट में जाकर अपने आटे की बारी को सिफारिशों पर अपने रिश्तेदारों में बांट देते हैं, यार गरीबों के लिए खाना है आटा ही नहीं है। ले कहीं पर कोई कैमरा लगा हुआ है जिसे रकीब आदीब कहते हैं, बरादराने गिरामी, एक ऐसा मंजर भी आ जाएगा वहां पर, ये सारी सीन और स्क्रीन आपके सामने खोल दिए जाएंगे, तो उस दिन क्या हालत हो। इंसान हराम रजा की वजह से संग दिल हो जाता है। एक भी रजा अगर सही ना हो तो संग दिल, उसके दिल में रहम करम तो कोई नाम निशान नहीं, चाहे सामने छोटा बच्चा पुकार पुकार के रहम की भीख मांगे, लेकिन इंसान के दिल में रहम नहीं आता। ये किसी वजह से हराम के लोहने की वजह से है। अज़ान मोहतरम, बच्चों की बात आ जाती है तो आपने सुना है, बार बार मैं हर साल तज़किरा करता हूँ, आलमी सतह पर बच्चे काबिल रहम होते हैं, इसीलिए तो अक़वामे मुत्तहिदा में एक इदारा यूनिसेफ के नाम से खोला गया। बच्चों पर तशद्दुद ना करो, बच्चों से सख्त काम मत ले लो। क्यों? छोटे बच्चे अभी हमें ग्रोह को नहीं है तो उन पर
उनकी तवान से ज्यादा कोई काम सख्ती मत करो, उनसे काम मत ले लो, ये अभी मासूम है, ये काबिल रहम है। दुनिया वालों तुम्हें तो आज पता चला है, हम तो 1400 साल से ही बच्चों के ऊपर होने वाले मजालिम पर रो रो के किसी बड़े का तो कोई कसूर हो सकता है, किसी का कुछ ना कुछ कम अज कम गलती अगर किसी की हो सकती है, लेकिन मुस्लिम के इन यतीम शहजादों के क्या कसूर था। सारा वाकई नहीं सुना, उनका टाइम आ गया। जब हारिस के घर में ये दो बच्चे बतौर मेहमान, उनके या अपना घर है या उनके ससुराल का घर है, ये बच्चे वहां पर पनाह लिए बैठे। ये छोटे बच्चे होते हैं, एक दफा कहीं फायदा हो जाए तो यही नुस्खा दोबारा आजमाता है, यही नुस्खा दोबारा आजमाता है, शायद उधर काम आए तो इधर ही काम आए। मशहूर जिंदानबान से अपना तारुफ कराया था, दोनों एक साल तक जिंदान में रहे, दुनिया का पता नहीं, वल्लाह आगे भी कहते हैं तारीख की किताबों में है दोनों शहजादों को 24 घंटे में एक टाइम का खाना, एक टाइम का पेट भर कर नहीं, एक टाइम का थोड़ा सा खाना मिलता था, इसलिए दोनों ने ये आपस में मशवरा कर लिया, बड़े ने छोटे से कहा भाई खाना तो वैसे ही नहीं मिलता, इससे बेहतर नहीं है हमें रात का सिर्फ खाना मिलता है, तो दिन को हम रोजे की नियत क्यों ना करें, आली मोहम्मद दिन को हम रोजे की नियत से क्यों ना करें। दिन को दोनों रोजे रखते थे, शाम को एक टाइम का खाना और एक बर्तन में थोड़ा पानी मिलता था, लेकिन बाहर की दुनिया से कोई खबर नहीं। एक दिन छोटे ने बड़े से कहा, भाई क्या हमारे लिए कोई यहाँ से निकलने के कोई सही कोई रास्ता नहीं, यही बात जिंदगी भर हमने यही बैठ के मरना नहीं था, कम अज कम इस जिंदानबान से अपना तारुफ कम करके शायद इससे बेहतर बड़ा होना है। शाम को मशहूर जिंदानबान खाना लेकर हाजिर हुआ तो दोनों बच्चों ने हाथ जोड़ के कहा, मशहूर बाबा इतने अरसे से हम आपके मेहमान हैं, आप हमें रोज ब रोज आप हमें सख्ती करते हैं, मुश्किलात में डालते हैं, लेकिन हमने सब्र किया, क्या आप मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं? मशहूर ने कहा, शहजादे क्यों नहीं, मैं रसूल हूं, मैं उसी नबी का उम्मती हूं, तो क्या आप अली मुर्तजा को नहीं जानते? क्यों नहीं, अली मुर्तजा मेरे इमाम थे। इसी तरह पूछते पूछते क्या आप मुस्लिम ने अकील को ही जानते क्यों नहीं, बस काफी अरसा हो चुका दुनिया से शहीद हो गए। मशहूर बाबा हम मुस्लिम के यतीम बच्चे आप हमारे बाबा होंगे करेंगे, मशहूर को बाबे को पता चला उसी वक्त पाऊ पकड़ के माफी मांग लो, माफ कर देना मुझे पता नहीं था जानता थे, मेरी जान को जो कुछ हो जाए इसी रात का सहारा लेकर तुम निकल जाए, लेकिन बहसियत एक बुजुर्ग के छोटे बच्चे को छोटा सा मशवरा दे दिया, शहजादे मेरी जान की परवाह ना करिए, लेकिन रात को आपने सफर करना है, दिन को कहीं छूट जाना है, क्योंकि आपकी तलाश में इंतजार इसी तरह खामोश नहीं बैठेगा। दोनों रातों रात निकले, कहां जाए तो कहां छोटे छोटे बच्चे शहर की आबादी के दरमियान में फिरते रहे फिरते रहे, सुबह हो गए तो किसी के बाप ने पकड़ ली, बाद रिवायत में है छुपने की जगह भी नहीं मिली, किसी बड़े दरख्त के ऊपर जाकर चढ़ गए, वहीं पर घूम गए, उस बाग के मालिक की कोई कनीज या कोई नौकरानी थी, वो बर्तन धोने के लिए वहां पर गई तो पानी में देखा तो पानी में दो चांद से चेहरे नजर आ रहे, मालिकम से आगे कहा सहमे हुए तो शहजादे दरख्त के ऊपर चढ़े हुए हैं, माने हो उस खातून ने वहां से दोनों को बुलाया, दोनों से पूछा कौन हो कहां से आए, यही तारुफ किया,
यहाँ मुस्लिम ने अकील की यकीन बन चाहिए। उस खातून ने बहुत प्यार दिया, साल से दोनों के जुल्फे बाले बाल नहीं हुए थे, कपड़े छेज कर पाए आराम से बेटे से कहा, बेटे ने भी छोड़ दिया। आखिरकार वो मजमून अपने हाथ
जानवर को